गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस प्लांट के बारे में अपनी जानकारी शेयर कर रही हूँ वो मेरा रेड एडेनियम का प्लांट है, जिसमें आजकल बहुत फ्लावरिंग हो रही है। एडेनियम भी सारे समर्स में ही ब्लूम करते हैं। एक समर प्लांट ही है एडेनियम, जो कि अपने खूबसूरत फूलों के लिए और अपने सुंदर से कॉर्टेक्स के लिए जाना जाता है। इसका भी कॉर्टेक्स बहुत सुंदर है, देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत कॉर्टेक्स है। और इसी से ही एडेनियम बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि सुंदर से जो कॉर्टेक्स आते हैं उसी से ये खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ इसको, कितना सुंदर लग रहा है ये एडेनियम लगा हुआ। और बहुत सुंदर कलर्स होते हैं एडेनियम के फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर रंगों में फ्लावर आते हैं। तो डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक डेजर्ट प्लांट है एडेनियम, और ड्रॉट टॉलरेंट तो है ही, क्योंकि डेजर्ट में पाया जाता है, डेजर्ट प्लांट है तो उसको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है। और आपके ऐसे एरिया में चल जाता है जहाँ पे कि बहुत फुल सन रहता हो, दिन भर की धूप भी मिले इसे, तो भी इसके ब्लूम करने के लिए बहुत अच्छी है। और इसकी सॉइल का जहाँ तक बात है, एक कोर्स सॉइल पसंद करता है ये, जिसमें कि सैंडी सॉइल होनी चाहिए, सैंड मिलानी है आपको, सैंड कोकोपीट, और सॉइल में थोड़ी ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, परलाइट का यूज़ किया है मैंने। इसकी सॉइल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी है, क्योंकि बिल्कुल पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, इसको पानी की नीड नहीं होती है ज़्यादा डेजर्ट प्लांट होने की वजह से। तो इसकी मिट्टी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, मिट्टी इसकी अच्छे से तैयार करनी है और एक सूटेबल पॉट देना है। देखिए मैंने भी इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा पॉट दिया है, रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती हैं इसकी, बट प्लांट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए इसके लिए इसको इस तरह का पॉट दें तो ज़्यादा अच्छा है। और समय समय पे इसकी रिपॉटिंग मैं करती रहती हूँ, रिपॉटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है एडेनियम की, क्योंकि अब बहुत थोड़े शेलो पॉट ही इसको दिए जाते हैं, तो शेलो पॉट को आप बार बार रिपॉट करेंगे तो मिट्टी चेंज हो जाएगी उस वक्त, और ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और पानी की जहाँ तक नीड है इसको, उसका ग्रोइंग पीरियड जो होता है समर्स ही होता है, स्प्रिंग से लेकर समर्स में पूरा सितंबर अक्टूबर तक ये ब्लूम करते रहते हैं। और आपको एक सनी एरिया ही चूज़ करना है इनको लगाने के लिए, तब आपको इनको पानी डालना है। आप देख के कि ऊपरी क्रस्ट जो है इनकी बिल्कुल ही अगर सूख गई है तो उनमें थोड़ा पानी डालिए, बट विंटर्स में इनका बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, और बहुत केयर से इनको विंटर्स में रखना है, क्योंकि वो उनका थोड़ा डोरमेंट टाइम होता है डेजर्ट रोज का, तो विंटर्स में इनका थोड़ा ख़ास ख्याल करना होता है। और समर्स में क्योंकि इनका ब्लूमिंग टाइम है तो इनको थोड़ा पानी डालना या इसमें थोड़ी सी मैन्योरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। मैन्योरिंग का ये है कि थोड़ा सा इसमें NPK या DAP भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल कंपोस्ट या जो गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ वो भी मैं इसमें साइड से थोड़ा सा डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा अभी तक मैंने इसमें मैन्योरिंग कोई नहीं की है ख़ास, बट ये अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और एक बार मैं इसको रिपॉट कर चुकी हूँ, पहले मैंने इसे छोटे गमले में लगाया हुआ था, उसके बाद मैंने इसको उसमें लगाया है। एक बार इसकी रिपॉटिंग हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसका रिपॉटिंग करते हुए ज़रूर बनाऊँगी। रिपॉटिंग करने के बाद इसकी कॉर्टेक्स की खूबसूरती और सामने आ जाती है, जब हम रिपॉट करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर से लगाते हैं तो वो और भी खूबसूरत कॉर्टेक्स लगने लगती है। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में ये आते हैं एडेनियम, और आपकी गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। अगर बहुत बड़ा सा पॉट लेना चाहें तो एक बहुत बड़ा पॉट भी ले सकते हैं, जब आपके पुराने एडेनियम हो जाएं और कॉर्डेक्स काफ़ी बड़ा हो जाए तो एक बड़ा पॉट भी इसके लिए लिया जा सकता है, तो ये और बड़े हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। और जहाँ तक इनकी कटिंग और प्रूनिंग की बात है, तो कटिंग और प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है फरवरी या मार्च के महीने में,
जब इनकी फिर से न्यू ग्रोथ शुरू होने वाली होती है उस टाइम पे इनकी कटिंग करनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो अगर आप यहाँ से जैसे से कट कर रहे हैं तो कट करने के बाद वो कटिंग भी थोड़ी पत्तियाँ कम करके आप लगा दें तो वो भी ग्रो हो जाती हैं। ऐसे मैंने भी एक दो किए हैं, बट उनमें उसको ग्रो करने में एक ही समस्या आती है, ग्रो तो हो जाती हैं पर उनमें इतना ब्यूटीफुल कॉर्डेक्स नहीं आता है। कॉर्डेक्स से ग्रो करने के लिए इनको सीड्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको उसके सीड्स भी दिखाऊंगी, मेरे भी कुछ एडेनियम प्लांट्स में सीड्स आ रहे हैं तो अभी मुझे कलेक्ट करने हैं वो, तो मैं सीड्स भी कभी आपको दिखाऊंगी जल्दी किसी वीडियो में, आपको सीड्स भी देखने को मिलेंगे एडेनियम के। तो बस आज इतना ही, आज का वीडियो मेरा एडेनियम प्लांट के ऊपर ही था जो कि रेड एडेनियम मैं आपको दिखा रही हूँ उस समय। तो मेरे साथ बने रहिए, काना गार्डन को ज़रूर देखिए और अपने सुंदर सुंदर कमेंट करिए और काना गार्डन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।